गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो प्रत्यय है उस प्रत्यय में हमने सिर्फ यह प्रत्यय को पढ़ा था। किस प्रत्यय को पढ़ा था? यह प्रत्यय को। इसकी पहचान हमने ये पढ़ी थी कि यह प्रत्यय शब्द के अंत में आता है और शब्द के अंत में आता है उससे ठीक पहले आता वर्ण होता है। शब्द जहाँ से शुरू होता है वो शब्द वृद्धि आदेश को प्राप्त होता है। ये चीजें हमें पढ़ी। अब दूसरी स्थिति में हम यहाँ ये चीज करेंगे कि हम अप्रत्यय को पढ़ेंगे। अप्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अप्रत्यय जो होता है वह संतान सूचक होता है। संतान सूचक होता है या उत्पत्ति सूचक होता है। उत्पत्ति सूचक होता है या वंश सूचक होता है। जिन शब्दों से किसी की उत्पत्ति होती है वो शब्द ऐसा वर्णन करेंगे या बताएंगे या बोध कराएंगे कि इनसे कोई नई चीज पैदा हो रही है। जैसे मनमुख शब्द है में अप्रत्यय जुड़ गया तो इससे क्या बना? इससे मानव शब्द। मानव शब्द बना तो देखो परिवर्तन क्या हुआ। जहां से शब्द शुरू होता है वह वृद्धि आदेश को प्राप्त हुआ। ऐसे आ हो गया, नैमे से उ की मात्रा स्वर की मात्रा चली गई, न बच गया और अ है उसके स्थान पे भर गया। दूसरा शब्द है दनु प्लस ए बराबर दानव, ये शब्द बना। तीसरा शब्द आता है यदु प्लस ए तो शब्द बनता है यादव। चौथा शब्द आता है लघु प्लस ए तो शब्द बनेगा लाघव। पांचवा शब्द आता है शिव प्लस ए, शिव प्लस ए तो बनता है सेव। अगला प्रश्न आता है कुशल प्लस ए, कुशल प्लस ए कुशल तो कौशल, कौशल। यहां पर कुशल में भी अगर पूछ लिया जाए तो कुशल में होगा कुश प्लस ले, लाने वाला ले का होगा लाने वाला, कुश यानी दाव या भाष को लाने वाला। दूसरा एक शब्द और बनता है यहां पर शीतल, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? शीत प्लस ले बराबर शीतल, ठंड देने वाला। उसके बाद में आता है विष्णु प्लस ए तो विष्णु प्लस ए बराबर वैष्णव, इनके स्थान पे आई की मात्रा हो रही है। उसके बाद में आता है मगध प्लस ए, मगध प्लस ए बराबर माधव, मागध मागध मगध प्लस ए बराबर मागध। इस प्रकार से अनेक शब्द बनते हैं जो निम्न है। दूसरा शब्द यह है शिव प्लस ए, बता दिया है शिव प्लस ए बराबर शेव। अब स्थिति यहां यह बनती है कि अगर इसको पहचाने कैसे, तो ए प्रत्यय जहां भी होगा, ए प्रत्यय जहां भी होगा शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वह होगा। और वह शब्द कैसा होगा? संतान सूचक होगा, उत्पत्ति सूचक होगा या वंश सूचक होगा, वो ये बताएगा कि संतान सूचक है, संबंध सूचक है, वंश सूचक है। इनका संबंध प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा?
संबंध प्रकट है जब, और अंत में शब्द के अंत में क्या होगा, वह होगा, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, ए प्रत्यय होता है। दूसरी स्थिति में हम ये शब्द और देखें, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए बराबर गौरव, गौरव शब्द है, गुरु प्लस ए से बना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा रघु प्लस ए, रघु प्लस ए तो राघव शब्द बनता है। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। उसके बाद में हम एक प्रत्यय और पढ़ेंगे, जैसे समाज शब्द, ये प्रत्यय भी अच्छा है। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, तो यह शब्द बनेगा, इसकी भी कहानी यही है कि शब्द जहां से शुरू होगा वहां से वृद्धि आदेश प्राप्त कर लेगा, वृद्धि हो जाएगी। इसमें इस स्वर की मात्रा जो है वो ये व्यंजन होगा, इसमें मिल जाएगी, तो मिलेगी, तो स के स्थान पे वृद्धि आदेश होने पे सा हो गया, माता मां हो गया, जय में इनकी मात्रा ली तो सामाजिक शब्द। इस एक प्रत्यय का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह बनता है इतिहास, इति प्लस आस, इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ने पर यह उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। एक के स्थान पे आई हो जाता है, आई ऐसा लिखा जाता है, यह शब्द हो गया ऐतिहासिक, वृद्धि आदेश हो गया, यह कल भी बता चुका था, आज बता रहा हूं, ए या आप हो, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, ई या ई हो, इनके स्थान पे आई हो जाएगा, ऊ या ऊ हो, इन दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरी स्थिति में बातचीत आती है उद्योग, उद्योग शब्द में एक प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनेगा औद्योगिक, क्यों हुआ, ऊ के स्थान पे औ हो गया। इस प्रकार से एक शब्द बनते हैं जो निम्न पहचान होगी, एक प्रत्यय की यह पहचान है, शब्द के अंत में ई की मात्रा मिलेगी और क्रय मिलेगा, यहां पर वृद्धि आदेश मिलेगी, इस वृद्धि आदेश को क्रय लेके सामान्य अवस्था में तो ऊ होने के कारण ओ बनता है, तो ऊ करो, ये धो है और ये ग है, तो ई की मात्रा मिटा दे, ई की मात्रा मिटा दीजिए, उद्योग शब्द बन गया। अब पता है हमारा उद्योग में ऊ छोटा आता है। दूसरा अगर सामाजिक शब्द देखिए तो सामाजिक शब्द में ए होने के कारण आ बनता है तो समाज शब्द बन जाएगा, चित में एक की मात्रा हटा दी जाएगी। और ए प्रत्यय की पहचान है शब्द के अंत में क्या मिलेगा, वह मिलेगा, और यहाँ पर शब्द जहां से शुरू होगा वो वर्ण के आदेश को प्राप्त होगा। धन्यवाद, आज इस वीडियो में इतना ही।